हाय एवरीवन, वेलकम टू शिवूज किचन। एक बार करेले आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आप यकीन माने इतने ज़्यादा स्वादिष्ट और बिना कड़वाहट के करेले बन के तैयार होंगे कि आप इन्हें बार बार खाना पसंद करेंगे। तो आज चलिए बना लेते हैं करेले। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट में मुझे बहुत ही अच्छे कच्चे हरे हरे करेले दिखाई दिए, तो मैंने सोचा चलिए आज करेले की रेसिपी को ही बनाया जाए। तो करेले खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तो लगते ही हैं। करेले हमें गर्मियों में ही अच्छे मिलते हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं, साथ ही ये हमारे खून को साफ भी करते हैं, पेट को भी अच्छा रखते हैं। तो करेले खाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है। आधा किलो करेले लिए थे मैंने, साथ में ली थी एक इसमें कच्ची आंबी, क्योंकि करेले में आंबी का एक अलग ही स्वाद आता है। आप कितना भी अमचूर डाल लीजिए, पर जो स्वाद हमें कच्ची आंबी का आएगा ना इसमें, वो हमें अमचूर से भी नहीं आता है। तो सभी करेलों को मैंने अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद चलिए अब इनको हम काट लेते हैं। तो करेलों को वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, साथ ही मैंने करेले को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से एक बार कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं करेले को ना छोटे छोटे टुकड़ों में गोल राउंड, आप जैसे चाहें, चाहे आप लंबे काट लें, चाहे अगर आप गोल काटना चाहें तो गोल काट लें। तो मैंने यहाँ पे ना करेलों को गोल ऐसे ही रफली चॉप कर लिया था। ये देखिए, हमें ज़्यादा ना तो मोटे पीस रखने हैं, ना ही इनको ज़्यादा हमें बारीक रखना है, क्योंकि ये तो फ्राई होने के बाद अच्छे से अपने आप ही पक जाएंगे। तो करेलों को मैंने अच्छे से कट कर लिया था। कट करने के बाद मैं इनको एक बर्तन में इकट्ठा कर लूँगी। बर्तन में अच्छे से इनको डालने के बाद चलिए अब हम इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि करेले कड़वे होते हैं ना, तो नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अच्छे से इनको मिला लेंगे, तो करेले जो है जितना भी कड़वा पानी होगा वो अपना सब नमक के साथ छोड़ देंगे, तभी इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी। तो अच्छे से इनको नमक और हल्दी लगाने के बाद मैंने 3 से 4 घंटे के लिए साइड में रख दिया था, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। और ये देखिए इन पे कितना सारा पानी निकला था ना करेलों में, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो कितना पानी है इस करेलों ने छोड़ा है। 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से इसको वॉश करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी। करेलों में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो आप इनको अच्छे से जब वॉश करें तो उसके बाद टाइट हाथों से इन्हें निचोड़ लें। चलिए अब कट कर लेते हैं आंबी, क्योंकि अब हमें बनानी है अपनी सब्जी। तो आंबी को भी अच्छे से ना छील के मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी, ताकि करेलों में ये ऐसे मिक्स हो जाएं कि आपको पता ही ना लगे कि आपने आंबी इसमें डाली है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आंबी को यहाँ पे कट कर लिया है। साथ ही गुठली को हम निकाल देंगे, क्योंकि गुठली की हमें इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आंबी आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप थोड़ी और ज़्यादा भी डाल लें, जैसा आपको टेस्ट लगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। चलिए अब करते हैं करेलों को फ्राई। तो करेलों को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तेल में मैं फ्राई कर लूँगी करेलों को अच्छी तरह से। आप करेले या सूखी सब्जी सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसका स्वाद ही अलग आता है, तो आप यही कोशिश करें कि आप ये सब्जी करेले की इसको सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करें। तो करेलों को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है फ्राई। फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको हिलाते हुए करूँगी मैं फ्राई, ताकि ये सब जगह से फ्राई हो जाएं गोल्डन ब्राउन, कहीं से भी ये कच्चे ना रहें। फ्राई करने के बाद इनको प्लेट में निकाल लिया है, अब लगाऊंगी मैं तड़का। तड़का लगाने के लिए सेम मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा लिया है जीरा, थोड़ी सी ली है हींग, साथ ही यहाँ पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा मेथी दाना, मेथी दाना से करारापन आता है, साथ ही ली है थोड़ी सी साबुत सौंफ, डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। सभी मसालों को थोड़ा सा चटकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी करेले। अब बारी आती है सूखे मसालों की, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे पिसी हुई सौंफ का पाउडर एक मिठास के लिए, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब डाल दूँगी मैं इसमें आंबी। तो मैं ये करेले बना रही थी बिना प्याज के, इसलिए मैंने यहाँ पे कच्ची आंबी और पिसी हुई सौंफ का यूज़ किया है। अगर आप प्याज खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं फ्राई करके। सौंफ से क्या है, करेलों में एक मिठास आती है। अगर आपको तब भी करेले कड़वे लगें तो यहाँ पे आप 1 चम्मच भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी करेलों में मिठास आ जाती है। करेलों में ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज ही डालें। तो ये देखिए करेले अच्छे से बनके तैयार हो चुके थे, मैंने निकाल लिया है इनको प्लेट में।
तो करेले की सब्जी आप जैसे चाहें ऐसे खा सकते हैं, पूड़ी से खाएं, परांठे से खाएं या दाल चावल से भी खाएं। करेले तो सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे मिलेंगे अच्छे से हम नई एक और रेसिपी पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।